आपके पास कोई प्लान है? क्योंकि हैदराबाद से तो मैं आपको एसोसिएट करके देख ही रहा हूँ और हैदराबाद से केन विलियमसन भी खेलते हैं, आपके पास कोई प्लान है जो आप बताना चाहें हमारे माध्यम से कि विराट कोहली को केन विलियमसन को इस तरह से ट्रैप कर सकते हैं, या कोई आपको लगे कि हाँ भाई हमारे देखिए मैं जितना भी मैं जितना भी केन विलियमसन के अगेंस्ट बॉलिंग किया हूं, मैंने एक चीज नोटिस किया हुआ है कि जब वो बल्लेबाजी करने आते हैं उनको ना इजी सिंगल आप ना दे, वो एक ऐसे प्लेयर है जो ना सिंगल लेने की कोशिश करते हैं, अगर आप उनको एक जगह पे कंसिस्टेंटली खिलाते रहे ना उनको वो सिंगल ना दे, काफी सारे प्लेयर होते हैं जो चौके छक्के मार के ना उनको बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, काफी प्लेयर होते हैं कि जो चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द सिंगल लेके नॉन स्ट्राइकर एंड में चले जाएं, और कितने सारे प्लेयर ऐसे होते हैं जो ना बॉल छोड़ते हुए या फिर बॉल पूरा डेड डिफेंस करते हुए उनको कॉन्फिडेंस आता है, जैसे पुजारा हो गए, तो इसीलिए आपको उनकी रणनीति को देखनी पड़ेगी, और उनकी रणनीति जब मैं देखता हूं ना उनको ना आदत है कि वो ना सिंगल लेके नॉन स्ट्राइकर एंड में चले जाते हैं, उनको नॉन स्ट्राइकर एंड में रहना ज्यादा पसंद है ताकि वो अपनी प्लानिंग कर सके, बॉलरों को देख सके कि क्या हो रहा है, विकेट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो ये एक चीज अगर मुझे लगता है, ऑब्वियसली विराट कोहली जिस तरीके से लीड कर रहे हैं और रवि भाई भी है और अपने जो कोचिंग स्टाफ है इन्होंने नोटिस किया होगा, इस चीज पे अगर थोड़ा सा बेहतर कर दे तो केन विलियमसन अपने जो रणनीति से बाहर आएंगे, जब एक प्लेयर अपने रणनीति जो होता है उससे बाहर आता है तब वो वल्नरेबल हो जाता है, तब आप उसको आउट कर सकते हैं या फिर उसको एज अ अगर बॉलर है तो उसको आप फिर डोमिनेट कर सकते हैं।